हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी बैक फैट और वेस्ट फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एक हफ्ते में। तो इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है ग्लूट्स ब्रिज। ग्लूट्स ब्रिज के लिए आप अपनी कमर के बल लेट जाएंगे और आपके हाथों को आप अपनी हील्स के पास रखेंगे और स्लोली अपने पेल्विक एरिया को ऊपर की ओर उठाएंगे। इसके आपको करने हैं 12 रिपीटेशन। ये वीडियो आप मेरे साथ लाइव फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपका बैक और टमी फैट रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टेबल क्रंच। टेबल क्रंच करने के लिए आप ऑल फोर्स पे आ जाएंगे, फिर अपने अल्टरनेट हाथ और पांव को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। इसके आपको एक साइड पे करने हैं 5 रिपीटेशन, फिर आपको दूसरी साइड पे स्विच करना है। ध्यान रखिएगा कि आप हाथ और पांव पूरी तरीके से एक्सटेंड करें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपका टमी और बैक फैट कम करने के लिए। इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। ये हमारा दूसरा सेट है। ये एक्सरसाइज आप डेली बहुत आराम से कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है कोबरा फ्लो। इसके लिए आप अपने थाइस पे बैठ जाएंगे, फॉरवर्ड फॉल करेंगे डाउनवर्ड डॉग में, डाउनवर्ड डॉग से आप नीचे आएंगे कोबरा में। कोबरा में ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके स्ट्रेच करें और कम से कम 4 ब्रीथ तक उसको रखें। फिर उसके बाद डाउनवर्ड डॉग में आकर हम पीछे बैक फॉल करेंगे सेम बैक एक्सटेंशन में। इस एक्सरसाइज को हमें रिपीट करना है 3 बार, मतलब हमें कोबरा फ्लो को 3 बार रिपीट करना है। ये तीनों एक्सरसाइज रोज करने से एक हफ्ते तक आप अपनी कमर और साथ ही साथ लोअर बैक का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स और सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।